हेलो एवरीवन, तो मैं हूं देवाशीष और इस वीडियो में जानेंगे बायोमेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ इस ब्रांच से रिलेटेड, कि लोग सोचते हैं, बहुत सारे, सभी नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये ब्रांच लोअर है, जिनको कुछ मिलती नहीं है वो इस ब्रांच को ले लेते हैं, मतलब कि जिनको कोई दूसरा ब्रांच नहीं मिल रहा होता वो इस ब्रांच को ले लेते हैं और बाद में ब्रांच लेने सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ब्रांच बहुत अच्छा ब्रांच है, कोई लोअर ब्रांच नहीं है। अगर हम रीजन देखें कि ये ब्रांच लो रैंक में क्यों मिल रही होती है, तो देखो ये बीटेक कोर्स है और इंजीनियरिंग कोर्स है, तो इस कोर्स में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे मैथ्स वाले होते हैं और डेफिनेटली उनको बहुत सारे, जैसे कि 10 लाख अगर मैथ्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उसमें मैक्सिमम 6 to 7 लाख लोगों को बायो उतना कुछ खास पसंद रहता नहीं है, तो वो बायो सुन के ही इस ब्रांच को करना ही नहीं है ये सोच के वो इसे देखते ही नहीं है। तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है, पर कुछ बच्चे को इंटरेस्ट बायो में होता है वो इस फील्ड में डेफिनेटली जा सकते हैं, उनके बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल ब्रांच डेफिनेटली ये दोनों अलग है, इस लगभग दोनों के करिकुलम ओवरलैप कर रहे होते हैं पर स्लाइट डिफरेंस दोनों में। तो क्या होता है वो चीज हम आगे जानेंगे, पर पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या। तो इस बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स पढ़ते हैं, मेरे रिसर्च करते हैं बहुत सारी डिजीजेस के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और मेडिसिन, वैक्सीन, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इनका बहुत सारा, मेनली बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत सारा स्टडी होता है, रिसर्च होता है, पढ़ाई होता है, और फूड इंडस्ट्रीज में भी मेनली बायोटेक्नोलॉजी का ही हाथ होता है। तो ये सब आपको बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हो और इन्हीं सब फील्ड में भी आपको जॉब मिल रही होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्लाइट डिफरेंस होती है वो हम अब जान लेते हैं। तो मेनली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी मेन फोकस करता है प्रोडक्ट में, मतलब लाइफ प्रोसेसेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्ट जो बनाए जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे फिश वगैरह से मेडिसिन बने होते हैं, वो सभी चीज आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी पढ़ाई होती है, लगभग दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाई होती है, पर दोनों के अलग पर्सपेक्टिव है। बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई में आप प्रोडक्ट बेस में कर रहे हो, मतलब आप इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स कैसे, फूड कैसे, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड में भी पढ़ाई कर रहे हो, मतलब नेचर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप बना सकते हो वो सबकी पढ़ाई आप बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हो। और पर बायो मेडिकल इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग में बेसिकली आप पढ़ रहे होते हो मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, मतलब आप जैसे कि डायग्नोसिस वगैरह के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आप वो सभी पढ़ाई कर रहे हो, तो साथ ही साथ मेडिसिन वगैरह भी आप इसमें पढ़ाई कर रहे हो। तो ये मेनली डिफरेंस होता है, लगभग करिकुलम लगभग सेम होता है, पूरा सेम नहीं होता, पूरा ओवरलैप कर रहा होता है करिकुलम, पर ये जो मैं बताया वो स्लाइटली डिफरेंस होता है। और अगर आपको और भी अच्छे से जानना है कि इसमें आप क्या पढ़ने वाला, तो आप डेफिनेटली सिलेबस चेक करो, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आप 4 साल क्या पढ़ने वाले हो। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो डेफिनेटली सिलेबस जरूर चेक करो। अब अगर हम इसके स्कोप, फ्यूचर स्कोप में आए, तो यार इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। हाँ, आज ये अभी भी ये ग्रो कर रहा है, पर फ्यूचर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होगा इसमें आपको, क्योंकि क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट और रिसर्च वगैरह की चीजों को जॉब्स वगैरह में डाल दें, तो आपको ये जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आपको जॉब्स मिल रहे होते हैं और ये अभी बहुत अच्छे से ग्रो करी, खासकर इंडिया में। तो डेफिनेटली यहाँ इसमें जॉब्स तो हैं और फ्यूचर में और भी जॉब्स होंगी, वैक्सीन वगैरह हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गया, क्योंकि डिजीजेस कम नहीं है, बहुत सारे वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी जो यहाँ पर आपको जॉब दे रही होती है। तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ है, स्कोप है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है अभी, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में स्कोप तो है डेफिनेटली। आज जो IT कंपनीज है वो स्कोप इसमें नहीं है, पर फ्यूचर में जरूर होगा। तो आप इस अगर आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा इसका स्कोप है। अगर आप हायर स्टडीज करते हो तो आपके जॉब के अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाते हैं, तो इसमें अगर आप M.Tech भी करते हो या तो इसके आपके एमए के ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा और अच्छे हो जाते हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो डेफिनेटली आपको एवरेज NITs या फिर IITs में आप देख सकते हो कि इसके प्लेसमेंट्स बाकी ब्रांचेस, मतलब मेनली जो CSE है और भी जो टॉप ब्रांचेस बोलते हैं जिसको टेक ब्रांचेस है, उससे कम होते हैं, क्योंकि मेनली 30-40% आपको दिख रहे होते हैं कि इतने परसेंट इंटर प्लेसमेंट्स लग रही होती हैं। ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि देखो आजकल जो कंपनीज जो प्लेसमेंट्स के लिए जाती है मेनली वो होते हैं IT कंपनीज, जो कि जिनको चाहिए होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। मेनली ये बायोटेक्नोलॉजी से भी इन्हीं लोग को भी ले रहे थे, जिनको कोडिंग आती है वो उनको जॉब्स मिल जाते हैं, जो जिनको नहीं आती है उन्हें थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऊपर से बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल ब्रांच के होते हैं, तो इनको वो प्रेफरेंस थोड़ा कम मिलता है कब CSE के बारे में, CSE वाले लोग 100% प्लेसमेंट्स होती है। तो यहाँ डेफिनेटली अगर आपको इस इंडस्ट्री में जॉब लेना है तो आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज हर एक कॉलेज जाके जॉब इंजीनियर्स नहीं ले रही होती है, तो आपको ऑफ कैंपस अप्लाई जरूर करना पड़ता है अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी
इंजीनियर वगैरह से काम करना है तो कॉलेजेस देख रहे तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं, मतलब 400 प्लस कॉलेजेस हैं इंडिया में और बहुत सारे आईआईटीज एंड आईआईटीज आपको ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आप डेफिनेटली चेक जरूर कर लेना यार, क्योंकि अब इतने सारे कॉलेज गिनाने की बात नहीं, क्योंकि मेनली बहुत सारे कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, कुछ कॉलेज यहाँ नहीं होते हैं, तो आप कॉलेजेस सर्च कर लेना। तो अब आते हैं एवरेज सैलरी और जॉब्स में, तो एक बायोमेडिकल बेड नॉलेज इंजीनियर्स के लगभग एवरेज सैलरी होती है 4 लाख से 5 लाख रुपए, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक ही ठाक है, और विद एक्सपीरियंस डेफिनेटली बढ़ती होती है। और जॉब्स की बात करें तो आपको मेनली फार्मेटिकल कंपनीज में जॉब्स मिल रही होती है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे रिसर्च वर्क या फिर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च वर्क के लिए अगर हम मेनली कंपनीज की बात करें कि आपको कौन सी कंपनी यहाँ पर रिक्रूट कर रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली मेडिकल कंपनीज होते हैं, सीमेंस सीमेंस हेल्थ केयर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन जो कि आपके वैक्सीन बनाती है, जैसे जो कि डेफिनेटली जो एक कोरोना की वैक्सीन है जॉनसन जॉनसन वही वाली कंपनी जो कि आपको यहाँ पर जॉब दे रही होती है। तो अब आते हैं कंक्लूजन में, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ब्रांच हो जाता है, इसका फ्यूचर इसको बहुत अच्छा है, बायोमेडिकल बायोमेडिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर के जॉब्स फ्यूचर तो अच्छे ही हैं। और अगर आप इस ब्रांच में हो और अगर आप अच्छे कॉलेज से या फिर आईटीज में हो, डेफिनेटली आप आईटी सेक्टर्स के भी जॉब्स ले सकते हो और प्लेसमेंट्स में, और अगर आपको फुल टाइम अगर इसी फील्ड में रहना है, फार्मेटिकल कंपनी में जॉब्स वगैरह लेना है, तो आप ये जरूर कर सकते हो, और आपके पास अप्लाई करके आपके नॉलेज के बेसिस में आपको वहाँ पे जॉब्स आराम से मिल सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उस फील्ड में भी जा सकते हो। ओवरऑल बहुत अच्छा ब्रांच है, कोई लोअर ओवर ब्रांच ऐसा फील मत करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो शेयर वगैरह भी कर देना, कमेंट वगैरह कुछ डाउट होगी तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। ओके बाय बाय।